सारी तैयारियां जो है कंप्लीट कर ली गई हैं। हमारा पूरा विश्वविद्यालय प्रशासन एक एक सेवा को बड़े गहराई से बारीकी से देख रहा है और सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। इसमें 55 स्वर्ण पदक दिए जाएंगे और 2 रजत पदक हैं, 1 कांस्य पदक है और पर्सन वाइज 35 लोग हैं मेडल रिसिपिएंट्स। सर, लगभग कितने लोगों और कितने छात्रों का कन्वोकेशन हो रहा है, इस बार कितने लोगों को डिग्रियां मिलेंगी? अच्छा, उपाधियां जो है 24,678 उपाधियां हम देंगे। सर, अभी हाल ही में जो है छात्र भी काफ़ी प्रदर्शन वगैरह कर रहे थे, जिनके लिए कहा गया था कि निवेदन किया गया था कि वो प्रदर्शन बंद कर दें दीक्षांत होने तक, तो क्या मतलब क्या बात हुई है प्रशासन से? विश्वविद्यालय के छात्र इस समय शांत भी हैं, तो क्या ये प्रदर्शन चलेगा अभी आगे की शांत रहेंगे? अभी संबंध में माननीय कुलपति से चर्चा हुई है, हमारे छात्र संघ के पदाधिकारियों से, कर्मचारी संघ के पदाधिकारी और शिक्षक संघ के, तो उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा उत्सव होता है दीक्षांत समारोह, इसको शांतिपूर्वक कर लेते हैं, सब लोग सहयोग प्रदान कर रहे हैं, इसके बाद जो उनकी मांग होगी उस पर शासन स्तर पर उनकी मांग है उस पर विचार किया जाएगा, विश्वविद्यालय जो भी सहयोग कर सकता है करेगा। सर, विशिष्ट अतिथियों के तौर पर कौन कौन आ रहे हैं इस बार दीक्षांत समारोह? विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे यहाँ उमा चंद्रशेखर आ रही हैं मैडम, और ये जो है कहाँ के कुलपति की सदस्य हैं और वो पूर्व कुलपति भी संस्कृत कल्याण संस्कृत महाविद्यालय की वो पूर्व कुलपति भी हैं।